Hello, students. My name is Azhar Danish Khan, and I am working as an assistant professor at Ramesh Institute of Vocational and Technical Education, Greater Noida. The topic of my today's video lecture is tablet coating. This is again the part of Unit 2 of Industrial Pharmacy 1 BP 502T of B Farm third year. so let us first define what is tablet coating tablet coating is a process by which an essentially dry outer layer of coating material is applied to the surface of a tablet for specific purposes the coating hum kya karte? Hum tablet ke surface pe ek dry outer layer lagate. of the coating material which is applied ऑन द टैबलेट सरफेस फॉर स्पेसिफिक पर्पजेस बहुत सारे पर्पजेस के लिए कोटिंग की जा सकती है फॉर स्पेसिफिक पर्पज़ेस तो एक कोटिंग की लेयर टैबलेट के सरफेस पे अप्लाई करना कहलाती है कोटिंग और उसको करने के बहुत सारे पर्पजेज हो सकते हैं क्या क्या परपजेस हो सकते हैं द फर्स्ट इज द प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन ऑफ वॉट प्रोटेक्शन ऑफ द टेबलेट वी कैन प्रोटेक्ट द टैबलेट फ्रॉम द एनवायरमेंट लाइक मॉइस्चर ऑक्सीजन हीट अगर हमारी ड्रग ऐसी है जो कि मॉइस्चर से डिस्ट्रॉय हो सकती है डिग्रेड हो सकती है या फिर ऑक्सीजन से डिग्रेड हो सकती है तो उस चीज को हम प्रोटेक्ट करना अगर है चाहते हैं तो वी हैव टू अप्लाई अ कोटिंग ऑन द टैबलेट सरफेस देन वी हैव द मोडिफाइंग रिलीज वी ऑल्सो अप्लाई कोटिंग to modify the drug release from the tablet if we ki our drug se release ho. so for this purpose we have to apply tablet coating modified release can be of various types like sustained release when we want that the drug should be released in a sustained manner for a prolonged period of time and we can also do entry coating

वी कैन मास्क द टेस्ट एंड वी कैन मास्क द ऑर्डर बाई अप्लाइंग कोटिंग ऑन द टैबलेट सर्फेस देन वी हैव द अपीयरेंस समटाइम्स कोटिंग गिवस अ वेरी गुड अपेयरेंस टू द टैबलेट फॉर एग्जाम्पल शुगर कोटिंग शुगर कोटिंग के बाद जो टैबलेट्स आती हैं दे आर वेरी कलरफुल एंड दे आर वेरी शाइनी एंड ग्लॉसी तो इस तरह से कोटिंग से हम टैबलेट के अपेयरेंस को भी इम्प्रूव कर सकते हैं देन वी हैव द आइडेंटिफिकेशन सपोज द कंपनी वॉन्ट्स टू आइडेंटिफाई हिज प्रोडक्ट अपने प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना चाहती है या कुछ हम ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं जो कि पेशेंट उसको ईजिली आइडेंटिफाई कर सके फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रन सो वी कैन डू द कोटिंग विद द कलर्स तो कलर्ड कोटिंग कर सकते हैं सो दैट द प्रोडक्ट कैन बी ईजली आइडेंटिफाइड तो इन दिस वे द कोटिंग इज एक्टिंग एज अ मोड ऑफ आइडेंटिफिकेशन जिससे कि जल्दी कंपनी या कोई पेशेंट किसी पर्टिकुलर ड्रग को यह पर्टिकुलर टाइप ऑफ टैबलेट को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकता है देन वी हैव द स्ट्रेंथ कोटिंग ऑल्सो प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द टैबलेट जो कोटिंग करने के बाद टैबलेट को एक अच्छी मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी मिल सकती है नाउ द टाइप्स ऑफ कोटिंग सो आर बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ कोटिंग एज यू ऑल कैन सी इन द पिक्चर्स ऑन द स्लाइड फर्स्ट इज द शुगर कोटिंग जैसे कि नाम अपने आप बता रहा है उसका शुगर से कोट करना अप्लाइंग अ थिक सॉल्यूशन ऑफ शुगर ऑन द टैबलेट सरफेस शुगर कोटिंग वेरी कलरफुल एंड शाइनी टैबलेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय शुगर कोटिंग देन वी हैव द फिल्म कोटिंग फिल्म कोटिंग मींस वी आर अप्लाइंग अ लेयर ऑफ पॉलीमर पॉलीमर की एक थिन फिल्म की कोटिंग अप्लाई की जाती है दैट इज कॉल्ड एज फिल्म कोटिंग एंड नेक्स्ट वी हैव इज द कंप्रेशन कोटिंग As the name indicates, compression means by the process of compression, we have to do the coating. You can see in the picture, there is a core tablet and outside there is a coating layer. So, you can say a tablet in a tablet. So, by the compression coating, we are making a core and we are applying a कोटिंग बाय द कंप्रेशन हम ये तीनों क्लासिफिकेशन टाइप्स ऑफ कोटिंग आगे स्लाइड्स में और डिटेल में डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद विदुर कोटिंग द शुगर कोटिंग ऑफ सक्सेसिव एप्लीकेशन ऑफ द सुक्रोज बेस्ड कोटिंग सोलूशन टू द टैबलेट कोर्स इन अटेबल इक्विपमेंट यहां परेशन मीन एक बार दो बार तीन बार कई बार में कोटिंग की जाती है किसकी सुक्रोज बेस्ड सोल्यूशन शुगर बेस्ड सुक्रोज बेस्ड सोल्यूशन टू ए द टैबलेट कोर इन अ अटेबल इक्विपमेंट एक पर्टिकुलर इक्विपमेंट के अंदर बार बार हम अप्लाई करते हैं शुगर के यानी सुक्रोज के सोल्यूशन को टैबलेट के कोर पे, तो इस तरह से आपकी ये शुगर कोटिंग की जाती है नाउ दे आर वेरियस स्टेप्स ऑफ शुगर कोटिंग द फर्स्ट स्टेप इज सीलिंग सीलिंग मीन्स वाटर प्रूफिंग ऑफ द टैबलेट कोर तो जो पहले टैबलेट कोर बनाया गया है उसकी हमें वाटर प्रूफिंग करनी है वाई बिकॉज वॉट हैपन्स इफ यू डू नॉट अप्लाई द वॉटर कोटिंग वाटर प्रूफिंग सॉरी सो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर पेनिट्रेट्स द टैबलेट कोर एंड ओवर वेटिंग ऑफ द टैबलेट कैन अकर तो टैबलेट की आपकी ओवर वेटिंग हो सकती है so the tablet will disintegrate very easily and it may become soft to chemical or physical stability destroy hosakhti so for the purpose of waterproofing or sealing we can use some polymers like we can use shellac and we can use zen these are the polymers which are used for the waterproofing of the or the sealing of the tablet core in the first step of sugar coating Next, we have the step is subcoating. Subcoating means we are rounding off the edges. We are rounding off the edges. We edges round off the edges. So, in the process of subcoating, what do we do? We apply a thick binder solution. A binder solution apply, in that, we can use acacia, we can use gelatin. एंड राउंडिंग ऑफ द एजेज इज डन और उसके बाद बाइंडर सोल्यूशन के बाद भी अप्लाई सब कोटिंग ऑफ द पाउडर कोटिंग पाउडर अप्लाई किया जाता है जिसमें हम टैल की यूज कर सकते हैं वी कैन यूज कैल्शियम कार्बोनेट वी कैन यूज के सो इन दिस सब कोटिंग स्टेप्स वॉट हैपन्स अराउंड फिफ्टी टू हंड्रेड परसेंट जो वेट है आपका टैबलेट का वो बढ़ जाता है साइज इंक्रीजेस बल्किंग होती है टैबलेट की जो एजेस है उनको राउंड ऑफ किया जाता है एंड द मैक्सिमम साइज जितना टैबलेट अटेन करना हम चाहते हैं उतना वो अटेन करती है इन द स्टेप ऑफ सब कोटिंग नाउ इन द स्टेप ऑफ स्मूथिंग सो व्हाट यू आर डूइंग वी आर अप्लाइंग अ थिक सिरप सोल्यूशन फॉर द स्मूथिंग इफेक्ट दिस स्टेप इज डन टू रिमूव द इम्परफेक्शन और टू रेक्टिफाई द इम्परफेक्शन विच हैव बीन फॉर्म्ड इन द सब कोटिंग स्टेप यानी सब कोटिंग स्टेप करने की वजह से जो टैबलेट के पूरे शेप में जो इम्परफेक्शन्स आए हैं उनको रिमूव करने के लिए वी डू द स्मूथिंग इफेक्ट एंड वी कैन यूज द थिक सिरप सुक्रोज की सिरप यूज़ करते हैं उसके लिए एंड वी कैन ऑल्सो डू द कलरिंग स्टेप साइमल्टेनियसली विद द स्मूदिंग इफेक्ट यानी इन दोनों स्टेप्स को एक साथ भी किया जा सकता है और इनको अलग अलग भी किया जा सकता है अगर हम चाहते हैं तो पहले हम स्मूथिंग करेंगे

So, for that purpose, we have to do the polishing, and for the polishing, we use various waxes. Like we use the beeswax, and we can use the carnoba wax. And by using these waxes, polishing of the tablet surface is done to give them shine and a glossy appearance. टैबलेट आपकी बहुत दिखने में शाइनी और ग्लॉसी हो जाती हैं और दिस इज द फाइनल स्टेप तो इस तरह से आपकी शुगर कोटिंग की जाती है नेक्स्ट वी हैव द फिल्म कोटिंग इट्स सिंपली अ डिपोजिशन बाय स्प्रेइंग लिक्विड कोटिंग सिस्टम ऑफ अ थिन फिल्म ऑफ द पॉलीमर बेस्ड फॉर्मुलेशन ऑन द टैबलेट सरफेस सो एज आई टोल्ड यू अ कोटिंग सिस्टम ऑफ थिन फिल्म ऑफ द पॉलीमर बेस्ड फॉर्मुलेशन तो जब हम पॉलीमर बेस्ड फॉर्मुलेशन यूज कर रहे हैं कोटिंग के लिए एज अ थिन फिल्म दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज फिल्म कोटिंग कैन बी टू टाइप्स ऑफ फिल्म कोटिंग वन इज द इमीजिएट रिलीज दैट डू नॉट अफेक्ट द ड्रग रिलीज तो इमीजिएट रिलीज वो कोटिंग कराएगी पॉलीमर की जो कि हमारी ड्रग के रिलीज में कोई इफेक्ट नहीं डालती तो फिर हम कोटिंग क्यों कर रहे हैं जैसे आई टोल द पर्पज इन द फर्स्ट स्लाइड फॉर टेस्ट मास्किंग फॉर द प्रोटेक्शन तो इमीजिएट रिलीज हम किस लिए कर सकते हैं टेस्ट मास्किंग के लिए एंड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द टैबलेट फ्रॉम द एनवायरमेंट नेक्स्ट वी हैव द टाइप ऑफ फिल्म कोटिंग इज द मॉडिफाइड रिलीज मॉडिफाइड रिलीज इट मीन्स ड्रग इज रिलीज इन अ स्पेसिफाइड मैनर तो हम ड्रग की रिलीज को मॉडिफाई कर रहे हैं तो देयर कैन बी टू टाइप्स ऑफ मॉडिफाइड रिलीज फिल्म कोटिंग फर्स्ट इज द एंट्री कोटिंग इट मीन्स दिस कोटिंग डज नॉट डिजोल्व इन द स्टमक पी एच सो द ड्रग इज नॉट रिलीज इन द स्टमक बट एज सुन द टैबलेट रीच इज द इंटेस्टाइन द कोटिंग इज डिजोल्ड सो बेसिकली द एंट्री फिल्म कोटिंग द पॉलीमर्स यूज आर और दे हैव पी एच डिपेंडेंट सोलिबिलिटी जो कि एसिडिक पीएच पे पॉलीमर्स डिजोल्व नहीं होते हैं दियर ये ड्रग जो है आपकी ये टैबलेट की जो कोटिंग है वो स्टमक में डिजोल्व नहीं होगी जैसे इंटेस्टाइन में पहुंचेगी इट विल डिजोल्व तो जो पॉलीमर्स हम यूज करते हैं फॉर एंट्री कोटिंग हैव पी डिपेंडेंट सॉलिबिलिटी नेक्स्ट टाइप ऑफ मॉडिफाइड रिलीज इज दस्टेन रिलीज ये पॉलीमर्स हैं फॉर सस्टेन रिलीज के लिए इट मीन्स बाई दिस कोटिंग द ड्रग इज रिलीज फ्रॉम द टैबलेट फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे ड्रग रिलीज होती है और आपको प्रोलॉन्ग इफेक्ट मिलता है तो ये थी आपकी दो टाइप की फिल्म कोटिंग इमिजिएट रिलीज एंड द मॉडिफाइड रिलीज नाउ द पॉलीमर्स फॉर फिल्म कोटिंग एज ए टोल्ली फिल्म कोटिंग मींस एप्लीकेशन ऑफ द थिन फिल्म ऑफ द पॉलीमर सो फॉर फिल्म कोटिंग वी कैन यूज वेरियस टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर द इमीजिएट रिलीज वी कैन यूज एच पी एम सी दट इज हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलिलोस सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलिलोस पॉलीविनाइल पायरोलीडोन ऑल्सो नोन एज पी वी पी इन शॉर्ट फॉर्म एंड वी केन यूज पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल्स नोन एज पी ई जी तो ये जो सारे पॉलीमर्स हैं आपके दे आपके फॉर इमीजिएट रिलीज कोटिंग के लिए देन फॉर द एंट्री कोटिंग वी कैन यूज सेलोलोस एसिथेड थैलेट शॉर्ट में इसको कहते हैं कैप सी ए पी कैप फॉर एंट्रिक कोटिंग देन वी हैव द एच पी एम सी थैलेट हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथायल सेलुलोस थैलेट एंड पॉलीविनाइल एसिटेट थैलेट दीज आर द पॉलीमर्स फॉर एंट्रिक कोटिंग देन फॉर द सस्टेन रिलीज वी कैन यूज पॉलीमर्स लाइक इथाइल सेलोस शेलेक एंड जेन तो ये पॉलीमर्स हैं जो कि फिल्म कोटिंग के लिए यूज किए जाते हैं देन अपार्ट फ्रॉम द पॉलीमर्स फॉर द फिल्म कोटिंग वी ऑल्सो यूज प्लास्टिस ना वॉटर प्लास्टिसाइजर्स प्लास्टिसाइजर्स आर एडेड टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू द पॉलीमर फिल्म पॉलीमर फिल्म को अगर फ्लेक्सिबल बनाना चाहते हैं सो वी हैव टू एड द प्लास्टिसाइजर्स टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी फिल्म कोटिंग पॉलिमर्स कैन बी ब्रिटिल एंड इनफ्लेक्सिबल इन नेचर जो आपके पॉलिमर्स हैं कई बार ऐसा होता है वो ब्रिटिल हो सकते हैं यानी जल्दी टूट जाए और इनफ्लेक्सिबल हो उनकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी ना हो सो वॉट वी हैव टू डू वी हैव टू एड प्लास्टिसाइजर्स सो वॉट डू द प्लास्टिस डू दे रिड्यूस रेसिडल स्ट्रेस विद इन द कोटिंग एज इट श्रिंक्स अराउंड द कोर ड्यूरिंग द ड्राइंग तो ड्राइंग के समय जब आपकी कोटिंग जो पॉलिमर की फिल्म कोटिंग हो, श्रिंक होना चाहती है तो उस समय उसके अंदर एक रेसिडुअल स्ट्रेस होती है सो दीज प्लास्टिसाइजर्स रिड्यूस द रेसिडुअल स्ट्रेस और फिर उसको ब्रिटिल होने से और उसको फ्लेक्सिबल बनाती है उसको ब्रिटिल होने से रुकती है और उसको फ्लेक्सिबल बना देती है ये है फंक्शन आपका प्लास्टिसाइजर्स का नाउ दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ प्लास्टिसाइजर्स लाइक पॉलीइथाइल ग्लाइकोल्स इथाइल थैलेट Diethyl sorry, dibutyl phthalate and the coconut oil. So, these are the examples of plasticizers which are used in the polymer coating. Now, the solvent and colors. So, first of all, for preparing a mixture or a solution of the polymer, we require certain solvents. So, what do these solvents do? they are used to dissolve or disperse the coating material. Polymers को dissolve या disperse करने के लिए हम solvents use करते हैं and they help to convey the to the surface of the tablet core. तो इस तरह से जो polymer है उसको हम tablet core तक पहुँचाते हैं by preparing a solution or a suspension. उनको dissolve कर सकते हैं या उनको disperse कर सकते हैं किसी particular solvent में इस तरह से they can be used or they can be Applied to the tablet core. Now these are the examples of the sol, uh, solvent use like acetone. We have methanol, isopropanol, and methylene chloride. Now the colors. We can also use coloring agents for coloring the tablets. So generally water insoluble colorants. They are preferred for film coating. Why? बिकॉज दे एग्जिबिट बेटर लाइट स्टेबिलिटी एंड दे प्रोवाइड बेटर ओपेसिटी एंड द कवरिंग पावर तो फिल्म कोटिंग में अधिकतर हम वाटर इन्सॉलबल कलर्स यूज करते हैं बिकॉज उनकी लाइट स्टेबिलिटी अच्छी होती है बेटर ओपेसिटी होती है उनके अंदर एंड कवरिंग पावर बहुत अच्छी होती है सो जो आपके वाटर इनसॉल्यूबल कलर्स हैं उसमें आपके पिगमेंट्स हैं लाइक वी कैन यूज रेड एंड येलो फेरिक ऑक्साइड वी कैन ऑल्सो यूज टाइटेनियम डाइक्साइड ये भी आपका जो पिगमेंट है ये अच्छा ओपेसिफाइंग एजेंट है टाइटेनियम डाइक्साइड एंड वी कैन ऑल्सो यूज लेक्स सो वॉट आर लेक्स लेक्स आर द डाइज विच आर एब्जॉर्बड ऑन एलुमिनियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर अगर हम डाइज को एब्जॉर्ब कर दें तो वो लेक्स बन जाती हैं सो लेक्स और पिगमेंट्स आपके एज ए कलरिंग एजेंट यूज़ किए जा सकते हैं Now coming to the compression coating, as I told you in the first slide, it involves the compaction of the granule material around a pre-formed tablet core. तो पहले से एक tablet core बनी हुई है, उसके चारों तरफ हम granules को compress करते हैं, उनको compact करते हैं. So for this purpose, we require certain specialized type of tablet compression machine. जो normal tablet को prepare करने हम use करते हैं, जो मैंने आपको discuss किया था अपने previous lectures में. तो वैसे नहीं होती है कुछ अलग तरीके स्पेशलाइज्ड मशीन होती है जिसमें एक टैबलेट कोड जो पहले से तैयार की हुई है उसके चारों तरफ हम दोबारा से ग्रेन्यूज को कंप्रेस करते हैं सो इट इज बेसिकली अ मॉडिफिकेशन ऑफ द ट्रेडिशनल टैबलेट प्रोसेस एक मॉडिफिकेशन है इट इज़ अ बेसिकली ड्राई प्रोसेस बट इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस सो वाइट इज यूज फर्स्ट ऑफ ऑल इट कैन बी यूज टू सेपरेट द इनकमटेबल मटेरियल सपोज दो ड्रग्स में हम उनको एक साथ देना चाहते हैं तो पहले एक टैबलेट का कोर बनाएंगे, उसमें एक ड्रग रहेगी और बाकी के बनाके उसको दोबारा से ऊपर से कंप्रेस कर देंगे तो अंदर एक टैबलेट उसके बाहर एक टैबलेट है तो हम दो इनकम्पेटेबल ड्रग्स को सेपरेट कर सकते हैं एंड दे कैन ऑल्सो भी यूज फॉर द मोडिफाइंग द ड्रग रिलीज हाउ सपोज जो हमारी इनर कोर है उसमें हमने जो कोटिंग की है दैट इज ऑफ इमीजिएट रिलीज पॉलीमर आउटर कोटिंग इज ऑफ मॉडिफाइड रिलीज या इसका ऑपोजिट हो सकता है आउटर कैन बी ऑफ द इमीजिएट रिलीज जो इनर कोर है उसकी मॉडिफाइड रिलीज की कोटिंग है तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब टैबलेट बॉडी में जाएगी तो फर्स्ट ऑफ ऑल द आउटर लेवर इज ऑल इमीजिएटली इट विल रिलीज द ड्रग एट एन अर्ली स्टेज एंड वैन द सेकेंड कोटिंग विल कम इट विल रिलीज द ड्रग स्लोली So, हम रिलीज पैटर्न को भी मॉडिफाई करने के लिए कंप्रेशन कोटिंग यूज कर सकते हैं सो दिस इज द स्टेप ऑफ कंप्रेशन कोटिंग टैबलेट कोर इज फर्स्ट प्रिपेयर इट इज मैकेनिकली ट्रांसफर टू अ डाई द लार्ज डाई हैज बीन पार्शली फिल्ड विद द कोटिंग रेन्यूज और द पाउडर टैबलेट कोर इज प्रोसीजन सेंट्रली इन टू द पार्शली फिल्ड डाई एंड होल मास अंडर गो द सेकेंड कॉम्पैक्शन तो इस तरह से हम पहले कोर रख को के उसके बाद बाकी ग्रेन्यूस को ऊपर से कंप्रेस करके कंप्रेशन कोटिंग कर सकते हैं नाउ कमिंग टू द कोटिंग इक्विपमेंट्स विच वी यूज वी कैन यूज वेरियस टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट्स बट द बेसिक मैकेनिज्म इज सेम विद ऑल द इक्विपमेंट्स सो वॉट इज द बेसिक मैकेनिज्म दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ द कोटिंग कंपोजिशन टू अ मूविंग बैड ऑफ टैबलेट विद द यूज ऑफ हीटेड एयर टू फैसिलिटेट द एवोपरेशन ऑफ द सोलवेंट तो टैबलेट का मूविंग बेड है यानी टैबलेट का बेड मूव कर रहा है उस समय उसके ऊपर सोल्यूशन को स्प्रे करना है एंड देन वी हैव टू यूज द ड्राई एयर टू ड्राई द सॉल्वेंट एंड लेट द सॉल्वेंट एवोपरेट तो ये बेसिक मैकेनिज्म जो है ये सारे इक्विपमेंट में यूज होता है सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कोटिंग इज कंप्लीट बाय द वर्टिकल मूवमेंट ऑफ द एयर सॉरी द मूवमेंट ऑफ द टैबलेट्स इट कैन बी इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शंस और द वर्टिकल ट इज अयर सस्पेंशन और इस तरह से हम डिफरेंट डायरेक्शन में टैबलेट बेड को मूव कर सकते हैं और हम कोटिंग सोल्यूशन को अप्लाई कर सकते हैं नाउ द इक्विपमेंट में फर्स्ट ऑफ ऑल द कोटिंग पैन कोटिंग पैन इज अ सिंपलेस्ट यू इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज फॉर टैबलेट कोटिंग इट इज सर्कुलर मेटल पैन माउंटेड ऑन अ स्टैंड एट एन एंगल द पैन इज एट टू सिक्सटी इंचज एन डायमीटर एंड इट इज रोटेड ऑन द हॉरिजोंटल एक्सेस एक हॉरिजोंटल एक्सेस पे उसको रोटेट किया जाता है हीटेड एयर इज डायरेक्टेड टू द पैन एंड ऑन द टैबलेट बैड सर्फेस एंड एग्जॉस्टेड बाइ द हेल्प ऑफ डक्ट पोजिशन थ्रू द फ्रंट ऑफ द पैन सो लिक्विड द पिक्चर दज द टैबलेट बैड दिस इज मूविंग इन वेरियस डायरेक्शन डायरेक्शन यहाँ दिखाए हुए हैं टेबलेट बैड मूव कर रहा है ये आपकी हीटेड एयर अंदर आ रही है और ये एक्जॉस्ट होके बाहर जा रही है दिस इज द स्प्रे गन जहाँ से आपके कोटिंग सोल्यूशन को स्प्रे किया जाता है तो जो टैबलेट बेड है ये पेन आपका रोटेट करता है ऑन द हॉर्जेंटल एक्सेस जैसे टैबलेट बेड मूव करता है और उसके मूवमेंट के दौरान ही हम वी अप्लाई द स्प्रे बाय यूजिंग अ स्प्रे गन स्प्रे ऑफ द कोटिंग सॉल्यूशन हीटेड एयर कम्स इन ड्राई द टैबलेट्स एंड इट इज एग्जॉस्टेड बाय द एग्जॉस्ट एयर डक्ट सो दिस इज द वर्किंग ऑफ अ कोटिंग पेन Now these are the some of the modifications of the coating pan. The first is the immersion sword. What happens in this? There is a sword that is perforated sword. Sword, joy, it is positioned in the tablet bed. So, what happens? Through this sword, air is passed by the perforations on the tablet surface. Because of this. इट रिजल्ट इन रैपिड ड्राइंग तो इस मॉडिफिकेशन का जो मेन एडवांटेज दट इज रेपिंग रैपिड ड्राइंग जल्दी से ड्राइंग होती है नेक्स्ट द इमर्शन ट्यूब टाइप इन दिस केस एन इमर्शन ट्यूब इज यूज फॉर पासिंग द एयर एंड जो ट्यूब है उसके जो एंड है जो उसका टिप है जो कि टेबलेट सरफेस को छू रहा है देर इज अ नोजल फ्रॉम विच द सोल्यूशन इज स्प्रेड सो दिस इज द स्प्रे नोजल एंड द एयर सो इसमें क्या होता है एक ही ट्यूब से आपकी हॉट एयर भी आ रही है उसी ट्यूब से आपका जो बाइ सोल्यूशन है कोटिंग का वो भी आता है दोनों एक साथ आते हैं तो इससे फायदा क्या होता है रैपिड ड्राइंग एंड द प्रोसेस इज ऑल्सो वेरी फास्ट सो रैपिड ड्राइंग एंड द फास्ट प्रोसेस दिस इज द इमर्शन ट्यूब From where air is passed, and at the tip, there is a spray nozzle, air is hot and coating solution both are coming from the same tube and they are positioned on the tablet surface simultaneously. So, the process is very rapid and drying is also very efficient. Next modification is the acylacota, this acylacota contains perforated pan.

क्या होता है इसमें भी आपकी जो ड्राइंग का प्रोसेस है दैट इज वेरी रैपिड सो इट इज रैपिड ड्राइंग प्रोसेस इट्स नेम इज एसिला कोटा इट्स अ ब्रांड नेम जो कि इसको बनाते हैं नेक्स्ट वी हैव इज द फ्लूडाइज्ड बैड कोटिंग सो इन द प्रीवियस वीडियोस आई हैव डिस्कस अबाउट द फ्लूडाइज्ड इट मीनस वेन वी पास अ स्ट्रीम ऑफ एयर

This causes the tablet to move upwards, outwards, and then downwards, a process that is called as fluidization and tablets have. Then the spray nozzle, under luggage spray nozzle, they atomizes the introduces the coating fluid on the fluidized bed. Now, with the help of the nozzles, coating solutions are passed on the fluidized tablet. So, we can change the position of the nozzle as you can see in this slide. So this is the fluidized bed coating equipment these are tablets which are in the fluidized state and here from the downwards the coating solution is spread when the tablets are in the fluidized state. Now Jesse coating hojagi Puri we will close this nozzle and only hot air will pass and now the drying of the tablet will take place. So advantage is equipment coating and drying are taking in the same equipment.

सोल्यूशन को स्प्रे किया जा रहा है सो दिस इज अबाउट द वेरियस कोटिंग इक्विपमेंट्स जो मेन हमने आप डिस्कस किया आपसे दट कोटिंग पैन कोटिंग पैन के बहुत सारे मॉडिफिकेशंस भी हैं जो मैंने डिस्कस किया दैट इज इंसर्टेड सोट टाइप इमर्शन सॉट टाइप इमर्शन ट्यूब टाइप एंड एसिला कोटा एंड दिस इज द फ्लूडाइज बैट कोटिंग सो इन दिस वीडियो आई हैव डिस्कस अबाउट वॉट इज कोटिंग What are the various types of coating, shower coating, film coating, polymers used, and other components like plasticizers, solvents, colouring agents, and the compression coating? Also, the equipment which we can use for the tablet coating, like coating pan and fluidized bed coating machine. Thank you so much.